औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 10 साइंस ग्रुप की एक्सरसाइज 1.1 है और इसका पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड प्रिंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं, एक तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और उनमें ये तलाश करना है कि कौन सी इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इस एक्स को इस पूरी एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 7 को भी इस एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इक्वल टू माइनस 7। एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और एक्स को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x आ जाएगा, माइनस 3x आएगा क्योंकि साइन माइनस का है। प्लस 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 7x आ जाएगा। और प्लस और माइनस जब भी मल्टीप्लाई हो रहे हों तो साइन हमेशा माइनस का आता है और 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 21 और साइन किसका आएगा जी, माइनस का आएगा, इज इक्वल टू माइनस 7। अब हमारे पास माइनस के 3x हैं और प्लस के 4x हैं तो हमारे पास किसके ज़्यादा हुई जी, प्लस के। प्लस के कितने ज़्यादा हुई, 7x माइनस 3x, तो प्लस के कितनी हुई, 4x। तो इन दोनों को हम जो है वो सिंप्लीफाई कर देंगे और सिंपली लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। और ये जो माइनस का साइन था ये इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे प्लस में चेंज होगा तो ये प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस के हैं 21 प्लस के हैं 7 तो किसके ज़्यादा हैं जी, माइनस के। कितने ज़्यादा हैं, 14। तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये ढूंढना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ये है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
इसका क्वेश्चन नंबर वन की जोज नंबर दो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर ओवर थ्री माइनस एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू वन। अब ये दोनों जो है वो आड नंबर है, इसका जो एलसीएम कैसे निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री मल्टीप्लाई सेवन इज इक्वल टू 21। या हम ये करेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 21, यानी ऊपर वाली जो हमारे पास इक्वेशन है उसको हम 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 21 ये आ गया, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर ओवर थ्री ब्रैकेट क्लोज। अब इसको भी मल्टीप्लाई 21 से करना है। अब चूंकि इसके साथ माइनस का साइन है इसलिए 20 माइनस 21 मल्टीप्लाई एक्स और एक्स ओवर सेवन इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 21। 3 7 बार 7 टाइम जो है वो 21 होता है। और ये जो 7 है इस 7 को हम इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई, इस रकम से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 बार 21 और ये जो माइनस 3 है इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 मल्टीप्लाई 21 ये 21 ही आएगा। 7x स्क्वायर प्लस 7 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 28 आ जाता है और माइनस 3x इज इक्वल टू 21। अब ये जो 21 है इसके साथ जो साइन है वो प्लस की है, ये इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जाके माइनस में तब्दील हो जाएगी, यानी इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ये 20 प्लस 21 माइनस 21 हो जाएगा। 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर माइनस 3x, अब यहाँ पे प्लस के हैं 28 और माइनस के हैं 21, तो किसके ज़्यादा हैं, प्लस के, तो साइन प्लस का लगा देंगे। कितने ज़्यादा हैं जी, 7 ज़्यादा हैं तो ये हमने 7 लगा दिया इज इक्वल टू 0। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन सेम जो है इस जैसी है, तो हम ये कहेंगे कि इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे जी, स्टैंडर्ड, इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसका आंसर आ गया।